थाना बंडोल के ग्राम बखारी में अज्ञात चोरों ने 8 और 9 अक्टूबर को दरमियानी रात में अशोक साहू के घर पर धावा बोलकर 4,49,000 रुपये नगद और 780 ग्राम सोने के जेवरात चोरी कर ले गए थे। चोरी की वारदात का पुलिस ने 96 घंटे में खुलासा किया है। इस वारदात को अंजाम जबलपुर के पदस्थ एक सहायक आबकारी अधिकारी, एक पूर्व सैनिक, 8 चोरों ने किया था। पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक ने बताया कि पुलिस द्वारा गठित टीम द्वारा सीसीटीवी से रिकॉर्ड खंगाले गए। इस आधार पर थाना बंडोल की दो टीमें गठित कर धर दबोचने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इस चोरी की वारदात में मुख्य सरगना धर्मेंद्र श्याम और सहायक आबकारी अधिकारी जबलपुर भागीरथ प्रसाद चौधरी रहे, जिन्होंने इस चोरी की वारदात की व्यूहरचना तैयार कर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इस घटना में 4 चोर फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। पकड़े गए चोरों के कब्जे से 27,55,000 रुपये की राशि, 3 बेशकीमती कार सहित 46,55,000 रुपये का कुल मशरूम का जब्त किया गया है। सीयूनी से महबूब अंसारी की रिपोर्ट। और इसमें पुलिस को जो फरियादी की तरफ से चोरी का सामान बताया गया है वो अभी भी क्लियर नहीं है। फरियादी का अभी भी कहना है कि हमारा सामान जो है पूरा वो खुल के बता नहीं पा रहा कि कितना सामान, लेकिन आरोपियों को जब राउंडअप करके पूछताछ की गई है तो करीब 27,55,000 का सामान, जिसमें 4.5 लाख नकदी और बाकी का जो सोना था 800 ग्राम के साथ 780 ग्राम के करीब, वो इनके द्वारा चोरी किया जाना स्वीकार किया गया है। इसमें कुल 11 आरोपी अभी तक सामने आए हैं और इसके अलावा जिसके यहाँ सोना इनने बेचा है, चोरी की वारदात में 11 आरोपी थे और एक सुनार के यहाँ इन्हें सोना बेचा, ऐसे कुल 12 आरोपी इस पूरे मामले में है। डुंडा सिंघी थाना क्षेत्र का एक रहने वाला टेमरे का जो व्यक्ति है, जिसने पूरी रेखी करके और इनको बताया, इस वारदात को अंजाम देने में जो जबलपुर के लोग थे उनने एक पुराने चोर का सहारा लिया, जो पूर्व के मामलों में कई बार जेल जा चुका है, डिडोरी का रहने वाला है, जिसकी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी, धर्मेंद्र सरयाम नाम है उसका। तो ऐसे करके कुल 11 लोगों ने पूरी योजना बनाई चोरी की और दो गाड़ियों का इसमें प्रयोग किया गया, जिसमें से एक बोलेरो है एक जेस्ट है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।